वेरी इंपॉर्टेंट विंटर्स में कि आपको सही तरीके की क्लोथिंग जो है वो पहननी पड़ेगी जैसे यहाँ के लोग बोलते हैं जब मैं यहाँ आई आई थी तो मेरा सबसे बेस्ट बिलवड ब्रांड था वो था इंडियन जैकेट्स आर नॉट मेंट फॉर हेयर एक हैक ये है कि आप जितने भी आउटलेट सिटीज हैं जैसे मैं मेजिंगन आउटलेट सिटी जानती हूँ वहाँ पर नॉर्थ फेस का, का काफी अच्छा शोरूम है उसमें थोड़ा कम प्राइस मिल जाएगा ये वीडियो जो है वो मुझे ऐसा लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे आपको बताने के लिए मैंने आई थिंक कोविड के टाइम पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने आप लोगों को बेसिकली अफोर्डेबल या बजट शॉपिंग के बहुत सारे ब्रांड्स बताए थे एंड आई थिंक नाउ इट्स टाइम क्योंकि मैंने भी बहुत सारे ब्रांड्स जो है वो अपग्रेड कर दिए हैं तो मैं आज आपको उसी के बारे में वीडियोज है वो बताऊंगी एंड द वन थिंग इज की अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करो क्योंकि काफी अच्छी अच्छी सी मैं आपको बताऊंगी बहुत अच्छे अच्छे अपडेट हैं लाइफ अपडेट और इन्फॉर्मेशन जो वीडियोस में होंगे अगर आप मूव करना चाहते हैं यूरोप तो भी और अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं तो ये तो बल्ले बल्ले हो गई वेल well, मेरा नाम है सुरभि एंड वेलकम टू इंडियन गर्ल इन यूरोप सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द अपडेट्स लाइक बेल आइकन भी दबा देना आज का टॉपिक जैसा आपको पता चल गया है विंटर जैकेट्स या विंटर हैक्स या विंटर्स के लिए क्या पहनना चाहिए कैसे वो सब चीज़ें मैं बताऊंगी और थोड़ी स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ भी बताऊंगी तो जब मैं यहाँ पर 2018 लाइक एंड ऑफ 2018 में आई थी तब मुझे ये नहीं पता था ठंड मतलब क्या होती है क्योंकि मैं कभी भी जो इंडिया के ठंडे वाले पार्ट्स होते हैं वो कहीं नहीं गई थी सिर्फ शिमला गई थी वो भी एक स्कूल ट्रिप पर गई थी और स्कूल में इतनी ज़्यादा ठंड लगती नहीं है एक्चुअली तो मेरे को इतना पता नहीं था कि ठंडी क्या होती है ठंडी होती थी लेकिन वो ठंडी में हम लोग बहुत ही डिफरेंट वुलन क्लोथ्स पहनते थे आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास कभी भी कोई जैकेट हुआ करता था स्कूलिंग में ऑफकोर्स जब मैंने जॉब स्टार्ट करी तो होता था तो मैं कुछ जैकेट्स लेके आई थी बींग इन टू फैशन वर्ल्ड रिटेल इंडस्ट्री मेरे खुद के ब्रांड्स जिस ब्रांड्स में मैं काम करती थी वो जैकेट्स बनाते थे और जो एकदम वुलन वुलनन वाले जैकेट्स थे वो लेके आई एंड somehow वो वर्क नहीं करे लाइक like, मुझे जो लगता था कि ये जो है जैकेट ये तो बहुत गर्म है मतलब वो इंडिया के हिसाब से काफ़ी गर्म था जिन जगह पे मैं रहती थी जैसे बैंगलोर हो गया या फिर एमपी हो गया दिल्ली हो गया बहुत ठंडा था बट जब मैंने यहाँ पर आके पहना उसे और थोड़ी ही देर बाहर रही फॉर एग्जाम्पल आधा घंटा तो उसमें मुझे ऐसा फील हुआ कि यार कुछ है ही नहीं देर लाइक like, कुछ तो चाहिए कुछ तो लेयरिंग चाहिए तो बहुत मुश्किल हुआ कुछ टाइम तक तो टू दैट कि नहीं यार यहाँ पर यहाँ के हिसाब से क्लोदिंग करनी पड़ेगी यहाँ के हिसाब से विंटर वेयर्स पहनने पड़ेंगे आई थिंक ये सब चीज़ जो है वो आपके लिए भी हुआ होगा प्लस विंटर कैप्स देन मफलर ये सब चीज़ें भी मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करती थी वन मोर थिंग हैंड ग्लव्स लाइक मेरे हैंड जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो मैं जैसे ही माइनस में टेम्परेचर गिरता है तो मेरे हैंड थोड़े ही बाहर रहते हैं तो बिल्कुल लाल हो जाते हैं तो मुझे थोड़े टाइम बाद समझ में आया कि यार कहा मैं सेंसिटिव हूँ क्या चीजें मुझे ध्यान में रखनी पड़ेगी लाइक like यूरोप में आपने देखा होगा जैसे ही ठंडी होती है ये अपने बच्चों को खुद कैप जरूर पहनते हैं एक अच्छा सा जैकेट पहनते हैं जिसमें उनको अच्छा कवर मिले एंड ऑल्सो मफलर गले को ढकने के लिए ये अपने आप को ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं लाइक ऑन अ डेली बेसिस आज मैं आप लोगों को कुछ ब्रांड्स बताऊंगी जो अफोर्डेबल भी है आप उससे शॉपिंग कर सकते हो एंड इन जनरल थोड़ी इंफॉर्मेशन बताऊंगी जर्मनी के बारे में तो जब मैं यहां आई आई थी तो मेरा सबसे बेस्ट बिलव्ड ब्रांड था वो था न्यू वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ आई थी तो हमेशा कन्वर्ट करती रहती थी यूरोस यूरो इंडियन रुपीज और हर कुछ मुझे बहुत महंगा लगता था तो मेरे को लाइक न्यूयॉर्कर ही एक ऐसा ब्रांड था जो मुझे लगता था कि ये ठीक है लाइक इससे मैं कुछ चीजें खरीद सकती हूँ तो उसमें अगर आप विंटर जैकेट देखोगे तो विंटर जैकेट्स काफी ट्रेंडी विंटर जैकेट्स लॉन्ग जैकेट शॉर्ट जैकेट हर तरीके के विंटर रेंज वहां पर आती है जो आपको अराउंड थर्टी यूरो से हंड्रेड यूरोज तक नाइन्टी नाइन तक मिल जाएगी जैकेट के रेंज जो कि बहुत सही है लाइक आप आराम से अपना पूरा विंटर निकाल सकते हो एक जैकेट लेके आई वुड से से कि जो जो जैकेट्स से जैकेट्स 50 से 70 यूरोस के के बीच में आती है है वो 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 आप खरीद सकते हो और वो जो है, वो विंटर्स के लिए आराम से जो है वो काम करेंगे उधर पर एक्सेसरीज भी मिलती है लाइक विंटर कैप हो गई हैंड ग्लव्स हो गए और मफलर हो गया बट सम हाउ ग्लव्स वो वाले मुझे वर्क नहीं करते एंड आई नीड अ मोर जिसमें मोर लाइक like वो इस तरीके का फैब्रिक हो जो मेरे हैंड्स को प्रॉब्लम ना करे तो वो उसके लिए मैंने अंडर आर्मर्स के जो है वो हैंड ग्लव्स लिए थे थे एंड इट इज वर्किंग वेल फॉर मी तो वो 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 काफी अच्छा वर्क करते हैं वो थोड़े महंगे अराउंड uh, 60 के हैंड ग्लव्स थे बट इट इज वर्किंग रियली गुड फॉर मी तो अगर आपके भी हैंड सेंसिटिव है तो आप अंडर आर्मर करके जो ब्रांड है वो ले सकते हैं इसके अलावा एक ब्रांड है जो की एच एन एम है एच एन एम इंडिया में भी है यहाँ पर हाँ उन, एम बोलते हैं तो वो जो है वो भी ब्रांड अच्छा उसमें भी काफी अच्छे जैकेट्स होते हैं उसका भी ये सिमिलर काइंड ऑफ रेंज होती है और वहां पर भी एक्सेसरीज जो है वो मिलती है लाइक like न्यूयॉर्कर से थोड़ा सा हाई एंड ब्रांड है बट स्टिल एफोर्डेबल है सी जो है वो बहुत ही बेसिक मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है बट यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है बट सी एन ए जो है वो बहुत ही बेसिक काइंड ऑफ जैकेट या बेसिक चीज़ें जो है वो देता है मोस्टली उनकी जो प्रोडक्शन है वो बांग्लादेश इंडिया यहीं से होती है तो मतलब अपने यहां से ही वो चीजें जो है वो बन के यहाँ पर आती हैं बट वो भी ब्रांड आप देख सकते हो अगर आपको उस तरीके का देखना है देन प्रीमार्क प्रीमार्क में भी जो है वो अभी के टाइम पे लाइक दो सीजन से मैं देख रही हूँ काफी अच्छा कलेक्शन है सम उसका कुछ भी चीज़ मेरे पास नहीं है क्योंकि म्यूनिक में वो बहुत दूर है प्रीमार्क का स्टोर और कभी जाना ही नहीं मिलता तो मैं को ऑनलाइन देखती रहती हूँ उनके कलेक्शन जो कभी मैंने मंगाया नहीं है बट स्टिल इट इज़ वेरी अफोर्डेबल तो न्यूयॉर्कर एंड प्रीमार्क जो है वो आप एक उसमें रख सकते हैं सी एन एंड एच एक उसमें के बाद आता है मेरा फेवरेट ब्रांड्स जो कि है जारा वर्षका एंड पुल एन बेयर तीनों जो है वो एक ही ग्रुप के पार्ट हैं और एक ही तरीके के लाइक सिमिलर काइंड ऑफ डिजाइन होते हैं जो कि काफी ज्यादा ट्रेंडी होते हैं तो सबसे पहले मुझे जारा पसंद है देन एंड इसी तरीके से प्राइजिंग होती है जारा की सबसे ज्यादा होती है वर्शका की थोड़ी कम होती है एंड पुल एंड बेयर की थोड़ी कम होती है लाइक अगर विंटर्स की बात करें तो मैं जो है वो कॉर्सेट लेती हूँ कॉर्सेट मतलब स्वेट पेंट और स्वेट शर्ट का एक कॉम्बिनेशन लेती हूँ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का जो इन तीनों में काफी अच्छे से मिल जाता है, उसके से मैं पहनती socks, जो गरम है वो पहनती हूँ गर्म सॉक्स भी आपको जैसे नाइकी एडिडास अंडर आर्मर ये जितने भी ब्रांड्स है इसमें मिल सकते हैं इवन डाइचमान में अगर आप जाओगे तो वहां मिल सकते हैं तो ये सारी चीजें मैं पहनती हूँ मुझे लाइक like, स्कार्फ की जरूरत नहीं पड़ती इवन मुझे कान में ठंड नहीं लगती तो वो भी मैं बहुत ज्यादा जब माइनस टेन वेन टेम्परेचर होता है तब पहनती हूँ बट हाँ हैंड ग्लव्स इज इंपॉर्टेंट तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं हैंड ग्लव्स जो है वो नॉर्थ फेस से लू नॉर्थ फेस जो है वो एक प्रीमियम ब्रांड है नॉर्थ फेस के भी जैकेट्स और चीजें जो है वो लोग यहाँ पर काफी पहनते हैं वो लोग जो मोस्टली हाइक पर जाते हैं जिनके लिए क्वालिटी बहुत मैटर्स करती है क्योंकि वो काफी गर्म जैकेट्स होते हैं काफी गर्म एक्सेसरीज होती है और वो काफी महंगे भी होते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैकेट की बात करें तो कोई भी जैकेट आपको थ्री हंड्रेड या फोर हंड्रेड से कम का नहीं मिलेगा ग्लव्स की बात करें तो वो भी अराउंड हंड्रेड यूरो में ही मिलेगा बट यहाँ पर एक हैक ये है कि आप जितने भी आउटलेट सिटीज़ हैं जैसे मैं मैजिंगन आउटलेट सिटी जानती हूँ वहाँ पर नॉर्थ फेस का काफ़ी अच्छा शोरूम है उसमें थोड़ा कम प्राइस मिल जाएगा मैं ये नहीं मिलूँ बोलूँगी कि बहुत सस्ता मिलेगा बट थोड़ा कम प्राइस में मिल जाएगा अगर आप प्रीमियम रेंट जो है वो प्रेफर करते हो मैं जैकेट्स के लिए प्रेफर नहीं करती हूँ बट फॉर अ हैंड ग्लव्स क्योंकि मुझे वो क्वालिटी बहुत मैटर करती है आई डोंट वॉन्ट कि मैं कुछ भी ख़रीद लूँ और वो, वो वर्क ना करे उस पर थोड़ा पैसा खर्च करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट तो इसलिए मैं नॉर्थ फेस का इस बार जो है वो हैंड ग्लव्स ख़रीदूँगी इस इसके अलावा मैचिंगन में ही ह्यूगो बॉस जो है उसका हेडक्वार्टर भी है लाइक उस ब्रांड का तो उस उसमें काफी बड़ा शोरूम है जिसमें आपको अच्छे विंटर जैकेट्स और एक्सेसरीज मिल जाएगी वो भी थोड़े महंगा है लाइक बॉस ऑल्सो एक प्रीमियम ब्रांड है तो वो महंगा है लेकिन अगर आप स्टिल क्वालिटी को ज्यादा जाद, अहमियत देते हो तो आप वहां जा सकते हो क्योंकि क्वालिटी है और ये लोग जो है लाइक जर्मन एंड यूरोपियंस एक जैकेट जो है वो काफी साल तक यूज करते रहते हैं अनलाइक मी मैं जो है वो शायद एक साल या दो साल यूज करके बोर हो जाती हूं और मुझे चेन करना पड़ता है लाइक साल भी बहुत ज़्यादा हो गया मुझे चेंज करना पड़ता है तो ये हो गई दो ब्रांड्स लाइक नॉर्थ फेस बॉस की बात अब हम आते हैं कुछ ऐसे ब्रांड जैसे शूज वगैरह के लिए तो शूज वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहां पर क्योंकि अगर आप बहुत टाइम तक बाहर रह रहे हो घूमने जा रहे हो तो और आपके पैरों को ज्यादा अच्छा प्रोटेक्शन नहीं है तो सॉक्स एंड शूज इम्पॉर्टेंट है तो उसके भी काफी सारे ब्रांड है पर डाइचमैन जो है वो सबसे अफोर्डेबल है डाइचमैन का खुद का जो ब्रांड है वो सबसे सस्ता मिलता है और वहां पर बहुत सारे ऑफर्स होते हैं तो आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हो इसके अलावा नाइकी एडिडास जो है पीमा जो है वो भी सारे मतलब इस टाइम पे विंटर के टाइम पे थोड़े से वार्म शूज बनाते हैं या वार्म शूज उनके मर्चेंडाइज में होते हैं तो वो आप चेकआउट कर सकते हो आउटलेट सिटी में वहां पर थोड़े कम प्राइस पे मिल जाएंगे या डिस्काउंट पे मिल जाएंगे आउटलेट प्राइस पे मिल जाएंगे मेरे को शूज इतना मतलब मुझे कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है शूज में मेरे पास बूट्स हैं जो कि जारा के हैं और बहुत कंफर्टेबल है तो मैं जारा के बूट्स जो है वो लेती हूँ बाकी मुझे इतने बूट्स कोई अच्छे नहीं लगे जो देखने में भी अच्छे लगे हों पहनने में भी अच्छे लगे हों और कंफर्टेबल भी हो और मैंने काफी सारे खरीदे और वो अनकंफर्ट टेबल के कारण जो है वो मैं एक दो बार पहनती हूँ और वो वेस्ट हो जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंफर्टेबल होने चाहिए प्लस वार्म होने चाहिए और सॉक्स भी वार्म ही पहनो तो नाइकी एडिडास अंडर जो मैंने आपको बोला ये ब्रांड्स आप प्रेफर कर सकते हो इसके अलावा कुछ ब्रांड्स और भी हैं जैसे रिजर्व्ड मेरा बहुत फेवरेट ब्रांड है उसमें भी आपको अच्छी क्लोथिंग मिल जाएगी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्टाइलिश एक्सेसरीज स्टाइलिश तो आप रिजर्व में जाके देख सकते हो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ब्रांड एंड हाँ मेरे लाइक like सारे एक्सपीरियंस से मैं आपको यही बताऊंगी कि मतलब विद इन टाइम्स मैं ये समझी हूँ कि आप अपने आप को परेशान मत करो बिकॉज ऑफ वियरिंग एनी और कुछ भी पहन के आ जाओ बस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विंटर्स में कि आपको सही तरीके की क्लोथिंग जो है वो पहननी पड़ेगी जैसे यहाँ के लोग बोलते हैं इट्स नॉट अबाउट द बैड वेदर इट्स अबाउट द बैड क्लोथ्स तो अगर आपने खराब क्लोथ पहने लाइक अप्रोप्रिएट क्लोथ नहीं पहने हैं तो आपको विंटर भी बैड लगेगी यही इनका कॉन्सेप्ट है एंड आई थिंक आई मस्ट एग्री नाउ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कपड़े पहनने होंगे और ये तो हम जर्मनी की बात कर रहे हैं थिंक अबाउट दैट कि अगर आप फिनलैंड या और कहीं जा रहे हो तो आपको बहुत सारी लेयरिंग भी करनी पड़ेगी एटलीस्ट जर्मनी में आप आपको लेयरिंग नहीं करनी पड़ती है कि आप पहले मतलब वार्मर्स पहन रहे हो या फिर लेयरिंग कर रहे हो आपके जो वार्म क्लोथ्स हैं जैकेट है एक्सेसरीज है, है इसी में आपका काम हो जाता है एंड यू कैन स्टे फॉर लॉन्गर आउटसाइड लाइक इवन स्विट्ज़रलैंड में भी आप बाहर रह सकते हो ये सब पहन के अगर आप हाइक कर रहे हो या आप और भी ठंडी जगह पे जा रहे हो तो उनके लिए डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनकी एक मतलब डिफरेंट ही चीज़ें हैं तो उस के बारे में अगर आप सुनना चाहते हैं आई थिंक दैट विल बी अ वेरी स्मॉलर ऑडियंस बट स्टिल अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करना एंड होप दिस हेल्प आपका कौन सा फेवरेट ब्रांड है जर्मनी में या फिर इंडिया में आपका कौन सा फेवरेट ब्रांड है वो कमेंट करना uh, क्योंकि मैं पीपल अगर आपको पता होगा तो उसमें मैंने कुछ टाइम के लिए काम किया है एंड मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे जैकेट्स जो है उनके ऊपर काम किया है एंड इट वर्क रियली वेल फॉर इंडियन मार्केट बट इट डजेंट वर्क यूरोपियन वेदर uh, ये बिल्कुल वर्क नहीं करता यूरोपियन वेदर पे वो ला के मुझे उसे फेंकना पड़ा क्योंकि वो वर्क ही नहीं कर रहा था इंडियन जैकेट्स आर नॉट मेंट फॉर या yeah, वैसे अभी मैंने देखा है कि जारा में भी सेम तरीके की मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स मिलने लगे हैं इंडिया में तो अगर आप वहां से आ रहे हो तो लेके आ सकते हो बट आई वुड से कि अगर आप यहीं से लो इन ब्रांड्स में से कोई तो ज्यादा सही रहेगा होप दिस हेल्प अगर आपको अच्छा लगा हो ये पूरा कंटेंट तो फॉलो करे बिना मत जाना लाइक सब्सक्राइब करे बिना मत जाना बेलाइकन दबा देना और बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पुराने वीडियोस देखना जिसमें काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जो वीडियोस है मैंने ऑलरेडी इनसे रिलेटेड मैं बना चुकी हूँ और हाँ ऑनलाइन भी कुछ ब्रांड्स है वो भी मैं आपको बता देती हूँ जैसे अभी अभी मैंने शॉपिंग करना स्टार्ट करी है वॉगियन उसकी लिंक भी मैं डाल दूंगी जिसमें काफ़ी अच्छे फैब्रिक्स हैं और काफ़ी अच्छा मटेरियल है तो आप उस पे वो उससे भी शॉपिंग कर सकते हैं उसका डिस्काउंट कूपन वगैरह भी मैं आपके लिए डाल दूंगी तो वो आप देख लेना इसके अलावा शीन इज ऑल्सो अ वेरी गुड ब्रांड अगर आपको कुछ अच्छा लेना है तो बट क्वालिटी हो सकता है इतना अच्छा ना आए वहाँ से एक साइडर करके ब्रांड है जो वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड है उसकी भी लिंक मैं डाल दूँगी उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेंडी जैकेट्स एंड ड्रेसेस वगैरह होती है बट बिकॉज अभी हम जैकेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं वेल दिस इज इट फॉर दिस वीडियो होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी बाय बाय